हाँ जी बेटे, तो फर्स्ट लेसन हमने कर लिया है, तो आज हम सेकंड लेसन शुरू करेंगे। 8th क्लास का सेकंड लेसन शुरू करेंगे। सेकंड लेसन है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म माइक्रो। दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकड आई। नेकड आई कैसी होती है? जैसे मुझे, मेरे बारे में आपको पता है कि सर चश्मा लगाते हैं, इसका मतलब मुझे चश्मे से दिखता है। चश्मा मतलब शीशा है, उसमें लेंस है, लेंस के साथ थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है, या अलग दिखता है। तो ऐसा हम देखते हैं कि जो ऐसी चीज़ें जो जिनको हम छोटा, छोटी चीज़ें हों उनको बड़ा करके देखना पड़ेगा। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब सूक्ष्म चीज, स्कोप का मतलब देखना, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब जिनके अंदर जीव जो होते हैं उनको ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव होते हैं जो नंगी आंखों से, यानी बिना लेंस के हम उनको देख नहीं सकते। उनको हम बिना चश्मे के या बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। तो आपने बहुत सारे प्लांट्स भी देखे हैं, एनिमल देखे हैं, वो सारे लिविंग हैं, जिंदा चीज़ें आपने बहुत सारी देखी हैं। तो दीज आर ऐसे जीव होते हैं, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, हम उनका सिर्फ इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे हमारा गर्मियों में हमारी सब्जी खराब हो जाती है, दूध खराब हो जाता है, या कोई चीज़ें ऐसी जो होती हैं वो थोड़ी देर बाद यूजेबल नहीं रहती, खराब हो जाती हैं, उनमें से बदबू आने लग जाती है। ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी है, मृतक शरीर जो होता है हमारा, मृत्यु के बाद शरीर जो होता है उसको हमें जलाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनको भी मतलब खाना शुरू कर देते हैं, उसके शरीर के अंदर सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं, फिर उसमें से बहुत ज़्यादा तेज़ बदबू आती है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि घर में कोई, अगर मान लो चूहा मर गया, पेटी के नीचे, ट्रंक के नीचे, या ऐसा अलमारी के नीचे, मतलब ऐसा कोई चूहा मर गया, वो मरा हुआ, तो वहाँ पर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो ऐसे ही जैसे ब्रेड है, गीली ब्रेड है, मॉइस्ट ब्रेड है, रेनी सीजन में वो ख़राब हो जाती है, और अचार जो होता है उसके ऊपर ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से इनको हम देख सकते हैं, तो टाइनी राउंडेड स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, ठीक है, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे गीली मिट्टी हम किसी बीकर में डालें, उसमें थोड़ा पानी डालें, तो उसके सॉइल जो पार्टिकल्स हैं वो जब सेटल करेंगे तो उसमें माइक्रोस्कोप पे मिट्टी को देखेंगे, उसमें, उसके अंदर भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो शो करती है कि पानी, सॉयल, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा। हमारे हाथ पे भी होते हैं, हमारे कान में भी होते हैं, नाक में भी होते हैं, मुंह में भी होते हैं, हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, वहाँ पर माइक्रोब होते हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, इनको हम अनएडेड आई, बिना मदद वाली आँख से नहीं देख सकते, यानी कि आँख के आगे कुछ लगाना पड़ेगा, लेंस लगाना पड़ेगा, उसके द्वारा हम देख सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे फंगस है, जैसे ब्रेड के ऊपर फंगस उगती है, उल्ली लगती है, उसको भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। तो ये उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, तीन चार टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको ग्रुप्स में बांटा गया है। ये ग्रुप कौन से हैं? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक सिंगल बैक्टीरियम,
और ज़्यादा सारे बैक्टीरिया फंगी, ठीक है, और प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, ठीक है। ये हरी काई जैसे होती है वो है, ये प्रोटोजोआ और फंगी, बैक्टीरिया फंगी प्रोटोजोआ और एल्गी। और जो आजकल आपकी बीमारी चल रही है कोरोना वाली, ठीक है, उसमें क्या है, वायरस, उसमें क्या है, वायरस। तो वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। वायरस कुछ इसमें स्पेशल है, वायरस के बारे में स्पेशल है, वायरसेज आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, वो भी माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा साइज छोटा है उनका, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, यानी उनको हम लिविंग और नॉन लिविंग की साइड पे रखते हैं, यानी एक ऐसी जगह पे रखते हैं, जैसे ये जो बुक है इसका जो किनारा है, इसके नीचे नॉन लिविंग, इसके ऊपर लिविंग, ठीक है। तो वायरसेज जो होते हैं बिल्कुल किनारे पे होते हैं, यानी कि अगर वो बॉडी के, हमारे बॉडी के बाहर हों, हमारी बॉडी के बाहर हों तो जिंदा नहीं होते वो, लेकिन एज सून एज दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी बॉडी, उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर वो उसका सामान लेके, उसके सामान लेके जिंदा हो जाते हैं। तो ये किसी दूसरी बॉडी के अंदर ही, जैसे दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट जैसे हमारे शरीर के अंदर वायरस जाएंगे तो हमारा शरीर जो होगा वो होस्ट होगा, हमारा शरीर क्या होगा, होस्ट होगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो जिंदा हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ आपकी इसकी डायग्राम्स दी हैं, जैसे प्रोटोजोआ जैसे ऐसी बीमारियाँ भी फैलाते हैं, डिजीजेज लाइक डाइसेंट्री, मलेरिया, ये भी इन्हीं के द्वारा होता है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, ये भी बैक्टीरिया के डिजीजेज हैं, ऐसे ही वायरस की डिजीज है जो आजकल चल रही है। तो ये हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ये हैं बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं वो ऐसे दिखते हैं, और ये हैं क्लैमिडोडोमोनस और स्पाइरोगैरा, और ये हैं अमीबा, ठीक है, और ये है पैरामीशियम, और ये है ब्रेड मोल्ड, और ये पेंसिलियम, और ये एस परेगस, ठीक है। तो ये जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके बारे में इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसको आपने दोबारा रीडिंग करनी है, आज के लिए इतना ही है। तो ये वाला जो लेसन है, लेसन नंबर 2, ये बायो में आता है। जो फर्स्ट लेसन था वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस था, ठीक है, और ये वाला लेसन जो है वो इसमें बैक्टीरिया फंगी प्रोटोजोआ एल्गी वगैरह है, ठीक है। थैंक यू, ओके।